देश में आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख से कुछ बदलाव लागू होते हैं, या तो किसी पुराने नियम में संशोधन लागू होता है या फिर कोई नया नियम अमल में आ जाता है। 2021 के दिसंबर महीने की शुरुआत में भी ऐसा होने जा रहा है। आइए जानते हैं अगले महीने की पहली तारीख से लागू हो रहे इन बदलावों के बारे में। 14 साल बाद माचिस हो रही महंगी। 14 साल के अंतराल के बाद माचिस की डिब्बी के दाम बढ़ने जा रहे हैं। ये 1 रुपए महंगी होने जा रही है। 5 प्रमुख माचिस उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से 1 दिसंबर से माचिस का MRP 1 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए करने का फैसला लिया है। आखिरी बार माचिस की कीमत में संशोधन 2007 में हुआ था। उस वक्त इसकी कीमत 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए की गई थी। लेकिन राहत की बात यह है कि डिब्बी में तिलियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी माचिस की एक डिब्बी में 36 तिलियां होती हैं, लेकिन कीमत बढ़ने के बाद इनकी संख्या 50 होगी। PNB बचत खाते के ब्याज में कटौती। पंजाब नेशनल बैंक ने 1 दिसंबर 2021 से बचत खाते की ब्याज दर में कटौती करने का फैसला किया है। इससे पहले PNB ने 1 सितंबर 2021 को बचत खाते पर ब्याज दर में कटौती की थी। पंजाब नेशनल बैंक में मौजूदा और नए सभी सेविंग फंड्स अकाउंट के लिए ब्याज दर अभी 2.90% सालाना है। 1 दिसंबर 2021 से बचत खाते में 10 लाख रुपए से कम सेविंग फंड अकाउंट बैलेंस के लिए ब्याज दर 2.80% सालाना होगी। वहीं 1 लाख रुपए और इससे ज़्यादा के बैलेंस के लिए ब्याज दर 2.85% सालाना होगी। ये ब्याज दर डोमेस्टिक और NRI दोनों तरह के सेविंग अकाउंट के लिए लागू होगी। SBI क्रेडिट कार्ड से EMI ट्रांजेक्शन महंगा। SBI के क्रेडिट कार्ड से अब EMI पर खरीद महंगी होने वाली है। SBI कार्ड से 1 दिसंबर 2021 से सभी EMI खरीद ट्रांजेक्शन्स पर 99 रुपए प्लस टैक्स की प्रोसेसिंग फीस वसूलेगी। मार्चेंट्स आउटलेट, ई कॉमर्स वेबसाइट और ऐप पर SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर किए गए सभी EMI खरीद लेन देन के लिए प्रोसेसिंग शुल्क लगाया जाएगा। ये प्रोसेसिंग शुल्क क्रेडिट कार्ड से EMI पर खरीद पर कार्ड धारकों द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज राशि के अतिरिक्त है। UAN आधार लिंक न होने पर नुकसान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने UAN और आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख आगे बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दी है। पहले ये डेडलाइन 31 अगस्त 2021 तक थी। अगर आधार और UAN को लिंक नहीं कराते हैं तो 1 दिसंबर 2021 से एम्प्लॉयर कर्मचारी के EPF खाते में अपना मंथली कंट्रीब्यूशन नहीं डाल सकेंगे। साथ ही एम्प्लॉय को अपना प्रोविडेंट फंड निकालने में भी मुश्किल होगी। EPFO ने PF कंट्रीब्यूशन और दूसरे बेनिफिट्स के लिए आधार कार्ड को PF UAN से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। श्रम मंत्रालय ने इस नए नियम को लागू करने के लिए कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 के सेक्शन 142 में संशोधन किया है। LPG गैस सिलेंडर हो सकता है सस्ता। डीजल पेट्रोल की खुदरा बिक्री करने वाली सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर के दाम की समीक्षा करती है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने के बाद क्रूड ऑयल के दाम में बड़ी गिरावट आई है। ब्रांड क्रूड के दाम में $10 प्रति बैरल की गिरावट दर्ज की गई है, जो अप्रैल 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। ऐसे में उम्मीद है कि 1 दिसंबर की समीक्षा में LPG सिलेंडर के दाम कम किए जा सकते हैं। इस खबर को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।